हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शहरी शनायस इंस्टीट्यूट। आज हम होम साइंस का चैप्टर 30 करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ प्रेमिसेस, भवन का रखरखाव। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये वीडियो भी मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड टू मच ऑफ एसिड्स नॉट बी यूज ऑन सेरामिक टाइल्स फ्लोर। मतलब हमारे यहाँ जो सेरामिक टाइल्स फ्लोर लगी होती है, जिन लोगों के यहाँ पे एक टाइल्स होती है जो फ्लोर पे लगी होती है, उस पर कई लोग जो होते हैं जो एसिड यूज़ करते हैं, तेज़ाब, हिंदी में हम उसे तेज़ाब कहते हैं, तेज़ाब जो इस्तेमाल करते हैं सफाई के लिए, वो हमें ज़्यादा क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा क्यों नहीं डालना चाहिए बहुत जल्दी जल्दी। काफ़ी लोग हर वक्त जब सफाई करनी होती है हमेशा एसिड तेज़ाब का इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आंसर है टू मच ऑफ एसिड्स शुड नॉट बी यूज ऑन सेरेमिक टाइल्स फ्लोर, अदरवाइज दे मे बिकम लूज एंड कम आउट। क्योंकि जो एसिड्स जो हम डालते हैं टाइल्स पर, उससे जो है अंदर जो सीमेंटेड जो टाइल्स जो चिपकी हुई है वो कमज़ोर हो जाती है, एसिड जो है अंदर जाता है, अंदर जाके उसे टाइल्स को कमज़ोर कर देता है सारी चीज़, जैसे एसिड, जैसे सबको पता ही होगा तेज़ाब क्या है, सब कुछ जला देता है, तो अंदर जाके वो जो टाइल्स को कमज़ोर कर देता है, तो टाइल्स जो हैं बाहर आ सकती हैं, टूट सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं, तो ज़्यादा सेरेमिक टाइल्स पे जो है नहीं डालना चाहिए एसिड, क्योंकि वो टाइल्स जो हैं कमज़ोर हो सकती हैं और टूट सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड वेरी हॉट वाटर नॉट बी यूज टू क्लीन द वुडन सरफेस। लकड़ियों पे बहुत खौलता हुआ पानी या गर्म पानी, मतलब जैसे अगर पतीला है तो वो क्यों नहीं रखना चाहिए, या फिर खौलता हुआ पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि आंसर लिखा है वेरी हॉट वाटर शुड नॉट बी यूज टू क्लीन द वुडन सरफेस अदरवाइज द वुड विल स्वेल। बहुत गर्म पानी से ना तो हमें लकड़ी पे सफाई करनी चाहिए, ना उस पे पानी डालना चाहिए खौलता हुआ, या फिर कोई पतीला गर्म गर्म या कोई भी चीज़ गर्म गर्म नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि वो जो लकड़ी होती है वो सूज जाती है, फूल जाती है, और वो ख़राब भी हो सकती है, फूल के वो उखड़ सकती है, उसका लुक ख़राब हो सकता है, तो इसलिए हमें कभी भी गर्म चीज़ों से, कभी भी लकड़ियाँ, इनफैक्ट लकड़ियों को तो पानी से भी साफ़ नहीं करना चाहिए, खाली कपड़े से साफ़ करना चाहिए। अगर कभी कुछ लग वग गया है तो आप साफ़ कर सकते हो, थोड़ा ठंडा पानी, नॉर्मल वाटर ले करके उससे गीला कपड़ा करके उससे आप साफ़ कर सकते हो, लेकिन कभी भी गर्म पानी से आपको लकड़ियाँ साफ़ नहीं करनी होती, और इनफैक्ट पानी भी नहीं यूज़ करना होता, नहीं तो हमारी जो लकड़ियाँ जो होती हैं ना वो फूल जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड हार्ड स्क्रबर एंड एब्रेसिव्स नॉट बी यूज टू क्लीन ग्लासेस। हमें भी जो ग्लासेस जो होते हैं, कांच के ग्लासेस जो होते हैं, उन्हें हमें कभी भी हार्ड चीज़ से क्यों नहीं साफ़ करना चाहिए, हमेशा सॉफ्ट चीज़, सॉफ्ट सा कपड़ा या सॉफ्ट सा जो झामा होता है उससे क्यों साफ़ करना चाहिए? आंसर है हार्ड स्क्रबर एंड एब्रेसिव्स शुड नॉट बी यूज टू क्लीन ग्लास बिकॉज इट वुड रिजल्ट इन स्क्रैचेस। अब ऑफ कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप कांच की चीज़ पे या ग्लास पे, अगर आप हार्ड चीज़ से, कोई नोकीली चीज़ से अगर आप कुछ उसको रब करोगे तो उस पर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, जिससे उसका लुक ख़राब हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा वो देखने में, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और पकड़ने में भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा, खरखरा सा हो जाएगा वो, तो इसलिए हमें कभी भी हार्ड चीज़ से कांच की चीज़ें साफ़ नहीं करनी चाहिए, सॉफ्ट कपड़े से हमेशा साफ़ करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट वार्निंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग एन इलेक्ट्रिकल रिपेयर वर्क। हमें कभी भी जैसे घर में अचानक लाइट चली जाती है तो उसे हम सही करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, मतलब वो चीज़ सही करने से पहले हमें क्या चीज़ सावधानी बरतनी चाहिए, कि हमें क्या क्या पहले, उससे पहले हमें सही लाइट सही करने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है अपने लिए? आंसर है 4 important warnings to be kept in mind while attempting an electrical repair work as under। पहला है always to wear rubber slipper। हमेशा हमें चमड़े की चप्पल पहन के रखनी चाहिए, कभी भी नंगे पैर हमें खाली बिना चप्पल पहने कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल का कोई भी करंट वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए, उससे हमें करंट लग सकता है बिना चप्पल के, नंगे पैर अगर हम रहेंगे तो। दूसरा है always to dry hands कम्प्लीटली, मतलब कि हमेशा हमें सूखे हाथ से, कभी भी ये नहीं कि हाथ से पानी टपक रहा है, हाथ पूरा गीला हो रखा है, या फिर आप कहीं से भी गीले हो रखे हो, आपका पैर गीला है, आपका कपड़ा गीला है, तो आप इलेक्ट्रिकल का काम करोगे फौरन आपको करंट पकड़ लेगा। और उसके बाद है तीसरा, ऑलवेज टू कीप अ वुडन प्लैंक वुलन ब्लैंकेट हैंडली।
हमें हमेशा मतलब कोई भी कंबल वगैरह पकड़ के रखना चाहिए, या फिर अगर कंबल आप नहीं पकड़ सकते हो, कोई भी मोटा कपड़ा या कंबल वगैरह, तो आप या तो लकड़ी, जो जैसे बेलन वेलन घर में होता है ना, तो बेलन पकड़ के रखना चाहिए कि जिससे लकड़ी है तो लकड़ी में करंट नहीं लगता, तो आप पकड़ के रखो तो पास करंट पास शायद ना हो, अगर थोड़ा सा करंट हो, ज़्यादा तेज़ होगा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा करंट हो तो आपको बचा सकता है वो। फोर्थ है ऑलवेज टू डिस्कनेक्ट द मेन सप्लाई, अनप्लग द अप्लाइंसेज। हमेशा जो है मेन सप्लाई जो घर का जो होता है ना, जिससे सारी लाइट्स कनेक्टेड होती है, वो हमेशा बंद कर देना चाहिए, उसके बाद कोई और काम करना चाहिए। कभी भी कोई भी मतलब मेन स्विच जो घर का है उसको ऑन करके फिर कुछ और कभी भी करंट वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी तेज़ अगर आपको आपको इतनी तेज़ झटका लग सकता है जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो हमेशा मेन स्विच हमेशा घर को ऑफ करो, उसके बाद कोई और करंट वाला काम करो, जिससे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई घर में तो पहले मेन स्विच ऑफ करके उसके बाद आप कोई और काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैंने अभी नए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगी ग्रो होने में, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, थोड़ा हेल्प करिए, ताकि मैं अच्छे आगे भी अच्छा चैनल अपना चला पाऊँ। मैं आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालूंगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके मेरे वीडियोज़ प्लीज़ शेयर करिए, ताकि मेरा चैनल जो है अच्छा चल पाए। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने भी 3 साल एनआईए उससे पढ़ाई करी है, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप अच्छे से 2-3 महीना लग के पढ़ाई कर लो, या 1 हफ़्ता भी अगर आप नहीं, आपने 2-3 महीना नहीं है आपके पास टाइम, तो 1 हफ़्ता भी अगर आप लग के पढ़ाई कर लो कि, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। और NIO इससे कुछ भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या चैप्टर्स जो मैंने आपको समझाए हैं उनसे कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।